So hi, I am Yogita Bihani, and I've been acting for the past 3 years now. I've been a part of commercials, TV show, web show. I've also done a film now, coming out soon. So I come from a typical Rajasthani family. My native state is Rajasthan. I've been brought up in Madhya Pradesh and Delhi. So what you have seen on TV soaps, Rajasthani families, typical. Exactly same to same, full rasode wali feeling hai, okay? So, aap samajh gaye hoge. So, meri family mein na, 9 members hai. Mom, dad, dadi. Aur baki ke jo 6 bache, wo hai hum. Hum, bhai, behen. Matlab, 5 behne aur 1 bhai. So, aap samajh gaye hoge ki ye kya situation thi. Sabke saath hota hai, right? I mean, जब भी घर में एक लड़की पैदा होती है तो रिलेटिव्स फोन करके बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना, बेटा हो जाएगा. हमारे घर थोड़ा सा लंबा हो गया, पर हो गया. वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है. एक बड़ी फैमिली होना इज नॉट माई प्रॉब्लम. मुझे बहुत पसंद है कि मेरी फैमिली इतनी बड़ी है. समर वेकेशन में बहुत मजा आता है. पर व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप आई रियलाइज्ड कि जो मेरा भाई है वो प्रिविलेज्ड है और हम जो लड़कियां हैं वो सब घर की इज्जत है. कचलीज पहनना अलाउड नहीं था, कपड़ीज पहनना अलाउड नहीं था, और शॉर्ट्स तो मतलब सोच भी नहीं सकते. ऐसा नहीं कि घर से बाहर नहीं जाने दिया या पढ़ाया लिखाया नहीं, बट अल्टीमेट गोल तो यही था ना, टू बिकम द बहू ऑफ अ प्रिविलेज्ड सन. सो मेरी साई सिस्टर्स मैरिड हैं. पहली सिस्टर की मैरिज कुछ 19 में हो गई थी. शी वॉज मैरिड इन नागालैंड. एक और सिस्टर की शादी कुछ 20-21 में हो गई थी इन असम. तो जिस हिसाब से मेरे पापा ये खतरनाक जगहें ढूंढ के अपनी बेटियों की शादी कर रहे थे, मेरी शादी तो पक्का बॉर्डर में कराते. आई मीन राजस्थानी, यू नो, मारवाड़ी, कहीं भी बिजनेस कर लेते. सो बाय 25 मेरे 2 बच्चे हो चुके होते और मेरी लाइफ में क्या चल रहा होता, ज्यादा से ज्यादा मेरे इन लॉज और मेरे पेरेंट्स ये डिस्कस कर रहे होते कि योगिता की 2 लड़कियां हो चुकी है और उसे 1 बेटा और कर लेना चाहिए, उसे एक बार और ट्राई कर लेना चाहिए. मुझे ये नहीं करना. मुझे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बननी थी. मुझे 2 बच्चे नहीं करने थे. मुझे बॉर्डर पे शादी नहीं करनी थी. मुझे कुछ अलग करना था, मुझे कुछ बड़ा करना था, मुझे अपनी खुद की एक जर्नी चाहिए थी. पर नहीं पता था कि क्या, कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था ना कि अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं. लाइफ में एक्सपोजर ही नहीं मिला कभी, क्योंकि यू नो ऑल यू आर ट्रेन्ड फॉर टू गेट to a guy, you know, to get married to a guy, क्योंकि sewing courses पे, beauty courses पे, cooking courses पे ध्यान था, तो exposure तो मिला ही नहीं. Till college, I'd never gone on a trip. In fact, मेरा college course, computer science honors, मेरे भाई ने और मेरे पापा ने मेरे लिए choose किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर इसे job करनी होगी तो इसे एक desk job मिल जाएगी, you know, a good you know, job जहाँ पे ये डेस्क के पीछे बैठ के आराम से कोडिंग करेगी और जॉब करेगी. आई मीन लुक एट मी गाइस, लाइक यू नो, अभी तक हम 2 मिनट या 4 मिनट हमने बात की होगी तो आपको भी समझ आ गया होगा कि ये लड़की डेस्क जॉब के लिए तो नहीं बनी है. बट मेरे पेरेंट्स को नहीं समझ आया, जो कि मेरे कभी काम भी नहीं आई. आई हैव नेवर डन एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स. सो या, अब मेरी लाइफ में आई थी मेरी पहली अपॉर्चुनिटी. ऑलराइट, बचपन से मैंने सपने देखे थे कि मैं कुछ बड़ा करूंगी, कुछ अलग करूंगी, कुछ करूंगी. अब ये अपॉर्चुनिटी आई थी. वो कहते हैं ना, लाइफ में किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरे कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश करती है. वही केस है मेरा और राजमा चावल का और बटर चिकन का और मोमोज का. ओह माय गॉड, आई मीन मोमोज का तो मुझे नाम नहीं लेना चाहिए. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू फूड, योगी एंड फूड, जस्ट यू नो, इट्स जस्ट दिस. ओके, तो जब इतना प्यार किया ही था खाने से तो कुछ तो मिलना ही था. सो मुझे मिला मेरा पहला कुकिंग रियलिटी शो कॉल्ड फेम फूडीज. आई मीन आई वाज गोना बी ऑन नेशनल टीवी एंड कुकिंग एंड ईटिंग. आई वाज लाइक गॉड, यही चाहिए था, यही, इसी चीज के लिए मैं वेट कर रही थी. मुझे पता नहीं था, बट अब मुझे फाइनली एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है. फिर रियलाइज हुआ कि भाई और पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी. अब किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के पास जाओगे, उन्होंने बताओगे कि हम आपके बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं नेशनल टीवी पे आने के लिए, राइट, दे विल जंप ऑन इट. बट मेरी फैमिली ना, वो सोच रही थी कि हमारी बेटी नेशनल टीवी पे क्या पहनेगी.
अब गोवा जा रही है तो ड्रेसेस पहनेगी, कट स्लीव्स पहनेगी, मामा देखेंगे तो क्या होगा, बुआ देखेगी तो क्या होगा. एंड आई वॉज लाइक ये क्या चल रहा है, मुझे मुझे मेरी लाइफ की पहली अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे ये सीज करना है, मुझे ये करना है. मैं आई हैव बीन वेटिंग, मुझे मुझे पता नहीं था आज तक कि मुझे क्या करना है, और यही है मुझे पता है. आई एम गेटिंग दिस फीलिंग दैट दिस इज फॉर मी, ये मुझे करना है. आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, आफ्टर अ लॉट ऑफ ड्रामा, मैंने उन्हें समझाया कि मेरी मैं जो कपड़े पहनूंगी उस शो में उससे घर की इज्जत डिफाइन नहीं होगी. जो मैं कर रही हूं वो अलग है. बहुत मुश्किल था. मैंने उन्हें समझाया कि आई लव माई वैल्यूज, आई लव माई कल्चर एंड एवरीथिंग, बट मेरे कपड़े और मेरी ड्रीम्स बहुत अलग चीजें हैं. एंड दे फाइनली अग्रीड, क्योंकि उन्हें भी रियलाइज हुआ कि हमारी बेटी स्पेक्सफुला या रूबीज करने नहीं जा रही है, फेम फूडीज करने जा रही है. सो रूल्स थे कि तुम इतने ही कपड़े पहन सकती हो, इतने ही छोटे कपड़े पहन सकती हो, इससे ज्यादा नहीं पहन सकती. सो फाइनली वेंट टू द शो, नहीं जीती, इट वॉज ऑल गुड, बट आई केम बैक एंड लोगों ने मुझे एड्स के लिए कॉल करना शुरू कर दिया. एंड दैट्स व्हेन आई स्टेप्ड इनटू माय एक्टिंग करियर. और क्योंकि खुद ही सब कुछ हो रहा था, बहुत ईजी हो रहा था, तो मेरी फैमिली बहुत ईजिली ईजिंग कर गई थी उस चीज में कि योग्यता आप एक्टिंग कर रही है, और योग्यता ने अब योग्यता नेशनल टीवी पे आ चुकी है, योग्यता को एड्स मिल रहे हैं, सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ऑल राइट. अब आई मेरे भाई की शादी की बारी. मेरे भाई की शादी के टाइम पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने एक एड किया था जिसमें मैंने स्विम सूट पहना था. स्विम सूट टू पीस नहीं गाइज, इट वॉज अ वन पीस स्विम सूट विद अ सरोंग. और वो एड जो लड़की वाले थे वो उन्होंने देख लिया कि यू नो इनके घर की लड़कियां तो ऐसे कपड़े पहन के टीवी पे आती है. सो बेसिकली वो अपने घर की इज्जत हमारे घर की इज्जत में देख रहे थे. टू द पॉइंट दैट बिकेम सच अ बिग प्रॉब्लम इन माई लाइफ कि मेरे पेरेंट्स ने ये बोलना शुरू कर दिया कि अगर आज तुम्हारे भाई की शादी में इतनी प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारी शादी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी. एंड आई एम लाइक, मैं कुछ और कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट. और अभी भी मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल मेरी शादी है, मेरे कपड़े ही हैं और घर की इज्जत है. एंड दे सेड कि हमारी सोसाइटी में, हमारी बिरादरी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया. तो मैंने अपनी मॉम से बोला, लेट्स बी दैट फर्स्ट फैमिली, हम कर लेते ना वो पहली बार जिसमें हम अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं. मैं बिलीव करती हूँ कि जो वो कर रही है वो गलत नहीं कर रही है. लेट्स अस बी द फर्स्ट फैमिली, और शायद हम ही देख के दो लोग और करेंगे, और शायद चार लोग और करेंगे, और शायद हम सोसाइटी चेंज कर पाए, शायद लड़कियां ड्रीम कर सकती हैं. एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ दैट थिंग्स चेंज्ड, दे बिकेम बेटर. सो या आई चेंज्ड माय फैमिली, आई मॉडर्नाइज्ड देम. तो सिचुएशन ये है गाइज कि जब मेरे डैड मेरे भाई की मैरिज के लिए शॉपिंग के लिए गए थे, जिस ज्वेलरी स्टोर में वो गए थे ज्वेलरी लेने के लिए, वहां वो मेरे ज्वेलरी एड को शो ऑफ कर रहे थे. मेरा भाई हम हमारे नोज जॉब के बारे में डिस्कशंस करते रहते, दैट हाउ ही थिंक्स इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी. एंड माय मॉम, जब वो मुझे ऑन स्क्रीन किस करते हुए देखती हैं, तो वो चाहते कि मेरी लाइफ में भी रियल रोमांस ऐसा ही हो. सो या अब जब हमारे घर में कोई लड़की पैदा होती है तो अभी भी यही कहते हैं यार कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करने का, लड़का हो जाएगा. वो मैं नहीं चेंज कर सकती, बट मैंने एक चीज चेंज की, वो है ये कि अब जब हमारे घर में कोई लड़की पैदा होगी, शी विल हैव योग्यता बिहानी टू लुक अप टू. दैट्स ऑल, दैट्स माय सक्सेस स्टोरी, दैट मैंने अपनी फैमिली को मॉडर्नाइज किया है. मैंने कोई करोड़ों रुपए नहीं कमाए, मैंने बहुत सारी मूवीज नहीं किया, मैंने बहुत कुछ बड़ा नहीं किया है, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू. आई वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज इन माय फैमिली, बिकॉज सोसाइटी को ब्लेम नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है ये, उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि लड़कियों को ऐसे रखा जाता है, या लड़कियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़के इंपॉर्टेंट है. बट आज वो अगर ऐसा नहीं सोचते, और आज अगर वो मेरे से प्राउड है, मुझ पर प्राउड है, और वो
फील करते हैं कि हाँ जो हमारी बेटी कर रही है वो अच्छा कर रही है और वो शो ऑफ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को. दैट्स माय विक्ट्री. थैंक यू.